Allah swears by the glorious morning, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, and by the night as it envelops, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. What is set forth for you is better than what you have right now. To be in this world like a traveler, जहाँ से आपके पास ज़्यादा सामान नहीं होता, जब भी आप traveling में जाएंगे, आप हर चीज़ नहीं लेके जाते, अपना bed नहीं उठाते. You don't take everything. कुछ सामान होता है जो सिर्फ उस traveling के लिए आपके लिए काम आएगा, बस that's it. कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक वो अल्लाह की राह में वो चीज़ ना दे दे जो कि सबसे ज़्यादा महबूब है. ये जो वर्ड है ना फालम, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. द वर्ड इज इंपेरेटिव, इट मेक्स द होल सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस. अल्लाह सुभानहू व तआला कह रहे हैं फालम, सीख लो, समझ लो, जान लो, क्या चीज, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह सुभानहू व तआला. अल्लाह सुभान तआला वो अजीम ज़ात है, तो समुद्र के गहराई के अंदर भी जो मछली है उसकी खुराक भी पूरा करता है, और पहाड़ों की चट्टानों के अंदर जो चूंटी चल रही है उसको भी रिस्क वही देता है. जब हम कहीं जाते हैं तो जो फर्स्ट इंप्रेशन हम देते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने अपेरेंस से ही तो दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो उस पर एंडोर्समेंट हम अपनी गुफ्तगू से ही करते हैं. And that's where the 10 madmen psychopathy psychologies develop. For instance, number one, तो मेरी डिज़ायर्स नहीं मीट हो रही, मेरे वांट्स नहीं मीट हो रहे, तो फिर एक दुनिया में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चली हुई आजकल जो लोग कहते हैं लेट्स बिकम अ पैशनेट पर्सन, यू नो, लेट्स डू सम क्रेजी फ्रीकी सुपर कूल स्पोर्ट्स, सम क्रेजी स्पोर्ट्स, लेट्स डू थिंग्स दैट नो वन एल्स कैन एवर डू, नो वन एल्स विल एवर थिंक, ताकि फिर मेरा नाम बने. That there are two faces of you. There is a face that is in front of the people, and then there is a face which is there when there is no one else. Linkin Park, lead singer, fans all over the world, people singing lyrics day in day out. In the end, it doesn't even matter, but it did matter. You need to take the initiatives. आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, आपको स्टार्ट लेना पड़ता है. यू नीड टू फेस द चैलेंजेस, यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर्स, और इन एलिमेंट्स के साथ आप तभी डील कर सकते हैं जब आप अपने नफ्स से डील कर सकें, जब आप अपने आप को समझ सकें. बसीरो विजनिंग, यानी कि पहले तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को इनविजन करेगा. जो मैंने अभी तक स्टैंडर्ड्स बना चुके झूठ सच के, पॉजिटिव नेगेटिव के जो स्टैंडर्ड्स बना चुका हूँ मैं. तो इस्लाम तो प्रमोट करता है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स बने, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करता है, और हम सब लोग को एंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए. लेकिन एक ये हमने स्लेवरी हमारे दिमाग के अंदर आ गई है कि बस हमने किसी के नीचे ही लगना, ऐसा क्यों. लेकिन किसी भी स्टेज पर पहुंच के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जो चीज़ हासिल होती चली जा रही है. एक तो बहुत सारी चीज़ें हासिल ही नहीं हो रही, बहुत से टारगेट्स अचीव ही नहीं हो रहे, और जो अचीव हो रहे हैं वो भी खत्म होते चले जा रहे हैं, या फिर उनका मजा खत्म होते. आने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये तो बिला वजह ले ली ये चीज़ में, और उसके पीछे आप इतनी एफर्ट कर चुके होते हो कि 6 महीने साल बहुत सारे ऐसे आपके काम, जैसे मैंने गाड़ी लेने के लिए 1 साल तक पैसे जमा किए, उसके बाद वो गाड़ी एक हफ्ते के अंदर मेरा मजा ही खत्म हो गया. गाड़ी यार क्या ले लिया. Yeah.